हम लोग बहुत अच्छा सारा डिज़ाइन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 गाने हैं और 6 की जगह संजय जी अपने स्केल में गा रहे हैं और बहुत मेहनत, रात दिन मेहनत कर रहे हैं एंड आई होप सबको पसंद आएगा। आपने कितना दिन तैयारी की इस म्यूजिक बनाने के लिए? संजय जी तो बहुत नाराज़ भी होते रहते हैं कि मैं जल्दी बनाता नहीं हूँ, बट इट्स टेक टाइम। तो म्यूज़िक का मसला है तो एक गाना रेडी होने में 10 से 12 दिन 15 दिन लगता ही लगता है। ऑलमोस्ट सब रेडी हैं और इंशाल्लाह। 6 गाने किस तरह के, अलग अलग हैं या एक ही फ्लेवर के सब? ये एक्चुअली सबको मद्देनजर रखते हैं, हर किसी का, इंसान का टेस्ट अपना अपना होता है, तो सबको मतलब कोशिश की है। इसमें हनी सिंह टाइप का भी है, मराठी भी है, देन थोड़ा सा गरबे स्टाइल का भी। आजकल लोग रिमिक्स पसंद करते हैं ज्यादा, इसमें रिमिक्स भी है। ये पूरा एल्बम, एंटायर एल्बम जो है डीजे और रिमिक्स और जो मार्केट में चल रहा है या जो लोगों ने पसंद किया है पहले भी, जैसे पंचमदा के गाने थे, किशोरदा गाते थे, वो सारे गाने आज भी जितने रिमिक्स है सब पंचमदा के ही बनते हैं। तो और ऑलमोस्ट उन गानों के सिंगर्स किशोरदा या आशा जी रही हैं, तो सारे कुल मिला के कहना मतलब ये कि ये एल्बम जो जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन बस माता रानी मेहर करे, बहुत अच्छा होगा और सबको पसंद आएगा, छोटा बड़ा। जैसा कि जानिया का भी रिकॉर्डिंग हुआ है पूरा गाने का, तो संजय जी ने कितना मेहनत किया उस गाने में पूरा आपके हिसाब से? बहुत मेहनत की है, ये पूरी रातों रात जागते रहते हैं इसके लिए। ओके, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।